गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। 19th ऑफ दिसंबर का जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शन है वो मैं आप तक लाया हूं, और ये स्टफ़ आपके एग्ज़ाम में दिखेगा क्योंकि मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये फ्रेम करता हूं। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख लें, रेलवे में, बैंकिंग में, एसएससी में, इन सभी में ये करंट अफेयर्स आता ही आता है। को रिलेट करके क्वेश्चंस को बताना, क्वेश्चंस से और क्या क्रिएट हो सकता है वो बताना, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आप केएस एजुकेशनल आपको फेसबुक पेज, इवन इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन मैंने रखा है कि विश्व एथलेटिक्स के अनुसार 2022 में ट्रैक एंड फील्ड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये नीरज चोपड़ा बन गए हैं, और ये पीछे किसे कर दिए हैं? पहले उसेन बोल्ट थे जो कि फर्स्ट नंबर पे थे, अब उनको पीछे छोड़ नीरज चोपड़ा आगे आ गए। संस्कृति मंत्रालय ने किसके सहयोग से वेयर भारत मीट्स इंडिया टैगलाइन के साथ कर्तव्य पथ पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया? तो यह किसके सहयोग से हो पाया है? वेयर भारत मीट्स इंडिया, यह सहयोग हो पाया है प्रसिद्ध फाउंडेशन का। तो प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से ही ये हो पाया। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने विपरीत जलवायु परिस्थितियों का सामना करने के लिए राज्य मार्गों के निर्माण में आने वाली चुनौतियों का व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए किस एनआईटी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये एनआईटी आपका मणिपुर है, तो एनआईटी मणिपुर के साथ ये हस्ताक्षर हुआ है। किसने गोवा को दुनिया का एक उच्च संभावित पर्यटन स्थल के रूप में संयुक्त रूप से बढ़ावा देने के लिए गोवा सरकार के साथ एमओयू साइन किया है? ये एयर एएनबी ने किया है। एयर एएनबी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रदान करता है जो उन लोगों को जोड़ता है जो अपने घरों को उन पर्यटकों को किराए पर देना चाहता है जो उस इलाके में जाने का इरादा रखते हैं। तो यह जो एमओयू साइन हुआ है वो एयर बीएनबी के साथ हुआ है। ग्रुप ऑफ सेवन G7 समृद्ध औद्योगिक राष्ट्रों के किस देश समृद्ध राष्ट्रों ने किस देश को $15.5 बिलियन प्रदान करने के एक समझौते को मंजूरी दे दी है? यह $15.5 बिलियन जो डॉलर प्रदान किया जाएगा ये किसे? वियतनाम को किया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है? ये अमेरिका के द्वारा किया गया है। अब तक कुल ऐसे 33 राष्ट्र हैं माय डियर फ्रेंड्स जो कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी देता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में गैर अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी की घोषणा की है, और यह कौन से ईयर के लिए है? 2028-29 के लिए। भारत कजाकिस्तान के सेनाओं ने कहां पर एयर एक्सरसाइज काजिंद 2022, ये जो काजिंद 2022 याद रखिएगा भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है, का आयोजन कहां पर ये हो रहा है? ये आयोजन मेघालय में हुआ। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया? ये केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया जा रहा है। तो जो 2023 का हॉकी फाइनल विश्व कप होगा वो कहां पर होगा, क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं?
सातवें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिटी 2022 का थीम क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों को जीर्णोद्धार और संरक्षण, यही इसका थीम है, जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के सातवें संस्करण का उद्घाटन किया है। डेनमार्क में किसने हाल में ही विपक्ष के साथ मिलकर नई सरकार का गठन किया, और यह है जो पार्टी है वो क्या है, मेटे फ्रेडरिक्सन। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक सफल परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता क्या है? इसकी मारक क्षमता 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक का है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है, और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2022 जो थीम है वो है ऑल इन फोर माइनॉरिटी राइट्स, यही इनका थीम है 2022 का। तो जो आप लोग अब तक हम लोगों ने देखा इम्पोर्टेंट डेज, वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, संयुक्त राष्ट्र बालकोष दिवस 11 दिसंबर, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस 9 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़यन दिवस 7 दिसंबर है, भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। तो कुछ ये कलेक्शन हम लोगों ने 19th ऑफ दिसंबर का इंपॉर्टेंट देखा। सब्सक्राइब करना ना भूलें केस एजुकेशन हब को, और नोटिफिकेशन बेल साथ में दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन पता चल पाए। लाइक कर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, एंड शेयर करना ना भूलें इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ।